खेलने के लिए उसको मतलब बैन किया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है फेडरेशन का। उनको लड़कों की हेल्प करनी चाहिए, लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर वो टीम में नहीं खेल रहे तो अगर वो उनको एक अच्छा चांस मिल रहा है लीग खेलने का तो उनको मतलब प्लेयर की सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उसको कहना चाहिए या उस पर बैन लगाना चाहिए। तो पाकिस्तान में और भी तरीके हैं हॉकी में पैसा कमाने के प्लेयर्स के लिए, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में खाली डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब जो पे मिलती है वही है, या मतलब बंदा जो अगर टीम के साथ है नेशनल टीम के साथ तो उधर से पैसा वगैरह मिलता है, अदरवाइज तो कोई और मतलब क्लब्स तो नहीं, क्लब्स नहीं है, डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ जी, उनकी तरफ से पैसे मतलब जो मंथली पे मिलती है, और अगर लड़का टीम में खेल रहा है पाकिस्तान टीम से तो वो जो पैसे पाकिस्तान टीम वाले देते हैं वो देते हैं, अदरवाइज कोई और चीज़ और रोज़गार नहीं है। और पाकिस्तान से जो हॉकी खिलाड़ी हैं वो किस किस किन किन कंट्रीज़ में जाकर खेल रहे हैं अभी करें लीग? हाँ, इस तरह के क्लब्स में ये प्रोफेशनल हॉकी, प्रोफेशनल हॉकी पाकिस्तान के जो काफ़ी प्लेयर्स हैं जो हॉलैंड में लीग खेल रहे हैं और स्पेन में लीग खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे होंगे इंग्लैंड में, तो मेरा ख्याल बाकी उनको फेडरेशन ज़्यादा लड़कों को अलाउ नहीं करती खेलने के लिए। अच्छा, तो ये चार लड़के हैं जो हॉलैंड में और मेरे स्पेन में थे। तो अभी जैसे आप यहाँ पे आए हैं वर्ल्ड सीरीज हॉकी में, तो क्या बैन इम्पोज करने की बात हुई है, क्या हुआ है, मतलब आपको किस तरह की इंस्ट्रक्शन मिली? उधर से तो मतलब ये इंस्ट्रक्शन थी कि बैन किया जाएगा प्लेयरों को, लेकिन फिर मेरी वही बात है कि मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। अगर हम पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है तो हमें मतलब फुल लिबर्टी होनी चाहिए कि हम किसी भी क्लब की तरफ से लीग खेलें या किसी भी जगह जाके लीग अपने आप को मतलब जो हम बैठे हुए हम हमारी जो स्किल्स हैं वो दुनिया देखे, और मतलब हम पाकिस्तान पता चले कि ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, मतलब इनमें भी कोई टैलेंट है।